और अब बात करते हैं आदमपुर उपचुनाव की। तैयारियां तेज हैं, सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं और आज भी दो नामांकन होने वाले हैं आदमपुर उपचुनाव को लेकर, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है और आज नामांकन दाखिल करेंगे कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश। उनके नामांकन दाखिल करवाने के दौरान पहुंचेंगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के और भी कई अन्य नेता और विधायक भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। आदमपुर में 3 नवंबर को उपचुनाव होना है, वोट डलने हैं और 6 नवंबर को उपचुनाव का परिणाम आएगा। और जयप्रकाश की अगर बात की जाए तो वो आज आदमपुर में अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे। अनिल मोर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत के लिए लाइव। अनिल, क्या तैयारियां हैं जयप्रकाश के नामांकन को लेकर? कितना उत्साह है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, क्योंकि सीट तो पहले कांग्रेस की थी, यह अलग बात है कि कुलदीप बिश्नोई अब बीजेपी में चले गए। मैं उन सब का स्वागत करता हूं, सत्यबाला मलिक जी, कमलेश सोरेन जी। देखिए, इस वक्त नासिक में हिसार में कांग्रेस के ऑफिस में मौजूद हूं। जो कांग्रेस के तमाम नेता है यहां पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। पहले यहां पर सारे कार्यकर्ता नेता इकट्ठे होंगे, फिर यहां के बाद जो है बड़े सारे की सारी लीडरशिप यहां से फिर सीधा जो नॉमिनेशन है नॉमिनेशन भरने के लिए जाएगी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो पार्टी के जो सारे कार्यकर्ता है नेता यहां पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। थोड़ी ही देर में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां पर आएंगे, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान यहां पर आएंगे। उनके बाद कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है नेता है फिर यहां से इकट्ठे होकर सीधे निकलेंगे कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश का नॉमिनेशन भरने के लिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं। कई विधायक यहाँ पर पहुँच चुके हैं। धर्मपाल मलिक साहब पूर्व सीनियर लीडर है, पहुँच चुके हैं। आफ्ताब अहमद साहब यहाँ पर मौजूद है, मलिक साहब मौजूद है, गीता बुकल यहाँ पर मौजूद है। तमाम नेता पहुंच चुके हैं, एक एक करके सबसे बात भी करेंगे कि आफ्ताब जी लड़ाई कितनी आसान रहने वाली है जयप्रकाश की। गढ़ तो भजनलाल परिवार का ही, गढ़ जो ये रहा है हमेशा से कांग्रेस का रहा है और कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो चौधरी भजनलाल जी किया करते थे। गढ़ तबराज भजनलाल परिवार जो है कांग्रेस में ही रहा, उसके बाद भी देख सकते हो अगर उन्होंने अलग पार्टी बनाई तो उसके बाद भी कांग्रेस का ही गढ़ रहा है। और हम ये मानते हैं कि आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कुशासन और जिस तरीके से बेतहाशा कीमतें बढ़ी हैं, जैसे जो है महंगाई हुई पड़ी है, जिस तरीके से बेतहाशा बेरोजगारी हुई पड़ी है और किसानों में जिस तरीके से ना, बीजेपी कह रही है कि जयप्रकाश साहब तो बाहरी है, बाहरी को वोट कैसे देंगे आदमपुर के लोग? वो पहले भी आदमपुर से चुनाव लड़ चुके हैं, हिसार जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बाहरी नहीं है। ये सिर्फ बीजेपी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह का प्रोपगंडा कर रही है। मलिक साहब भी है, मलिक साहब से हम बात करेंगे। मलिक साहब, कितनी राह आसान देख रहे हैं जयप्रकाश साहब की आप यहाँ पे? देखिए, रात और लोगों का जो मूड है, लोगों का मूड जो है ये है कि आगे जो है कांग्रेस का राज लेना है और मनोहर लाल खट्टर के इस 7 साल के राज से लोग परेशान हैं, किसान परेशान है, कर्मचारी परेशान है, छोटा दुकानदार परेशान है, लोगों का मूड है। लड़ाई इतनी आसान तो नहीं है जयप्रकाश के लिए भजनलाल परिवार का सामना सरकार भी? जयप्रकाश जी एक कद्दावर नेता है, 3 बार सांसद रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, पिछला चुनाव भी उन्होंने यहाँ से आदमपुर से लड़ा था। और किस सिद्धांत से और ये इलेक्शन कुलदीप बिश्नोई ने थोपा है ये समझ की बात है। निजी स्वार्थ और सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए अलावा कोई भजनलाल की उनके पास लीगेसी नहीं है, कोई उन्होंने यहाँ पर सिद्धांत की बात नहीं की है। ये तो यहाँ पर सू होता है वहाँ पर भागने की। भाई, इलाका आपका है, क्या कह रहा है आपका इलाका, इलाके का मूड क्या लग रहा है आपके? देखिए, इलाके का मूड एक ही मन बना चुकी है जनता, भारतीय जनता पार्टी से उब चुकी है और उसी डूबते जहाज पर कुलदीप बिश्नोई जी अब सवार हो चुके हैं। परंतु हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है कि हमने बीजेपी से छुटकारा चाहिए और इसका ये जो ताबूत में आखिरी कील के रूप में साबित होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। और यहाँ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जेपी जी भारी मतों से जीतेंगे, ये जनता का मन है। दावा तो कर रहे हैं जेपी जीतेंगे, लड़ाई आसान तो नहीं है, इतना मानना तो आपको? देखिए, बहुत ही बढ़िया लड़ाई, जयप्रकाश जी बहुत ही मजबूत प्रत्याशी हैं, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, यहाँ से सांसद रहे हैं और बहुत मजबूती से जीतेंगे। भव्य साहब भी आ चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे कितनी लड़ाई आसान रहेगी जयप्रकाश साहब की। जयप्रकाश साहब भी आ चुके हैं, लड़ाई कितनी आसान रहेगी? प्रधान जी नॉमिनेशन भर रहे हैं, कितनी तैयार है?
कितने तैयार है? पूरे कंप्लीट तैयार है, कल बताया तो था, जो कमी थी 9 में वो कंप्लीट हो चुकी है। तो क्या कमी थी, कैसे कंप्लीट किया आपने? आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम, कांग्रेस पार्टी का 10 साल का कार्य, कुलदीप बिश्नोई की गद्दारी, लोगों में विश्वासघात और भारतीय जनता पार्टी के 8 साल का शासनकाल का काम, तो जब जनता के सामने रखेंगे तो एकदम इतना फर्क होगा जिस तरह दाढ़ी और पास। दीप कह रहे हैं कि जयप्रकाश साहब तो भारी है, जेपी का मतलब ही नहीं आदमपुर से। हाँ ये सही है, मैं भारी हूँ, वो थोड़े वजन के हैं, मैं बहुत वजन का हूँ, वो लंदन में रहते हैं, मैं हिसार में रहता हूँ। चलिए की बात करें, हिसार आपकी पुरानी लोकसभा रही है, 30 साल पहले भी आप यहाँ से सांसद बन चुके थे, आदमपुर से आप चुनाव लड़ चुके हैं, बरवाला से विधायक रह चुके हैं, तो ये जो पुरानी राजनीति है, पुराने संबंध है, कितने काम आएंगे? ये सारे संबंध अभी पता लग जाएगा कि आज कुलदीप बिश्नोई जिस तरह का व्यवहार कर रहा है उससे ये लग रहा है कि वो चुनाव हार चुका है। 2009 में मरते मरते बचा था, वो भी हमारी पार्टी के कुछ नेताओं ने मुझसे विश्वासघात किया, पार्टी के साथ धोखा किया, वरना मैं 2000 में भी जीत रहा था। और अब लोग समझ चुके हैं जो जयप्रकाश के कांग्रेस पार्टी के साथ अब की बार गद्दारी करेगा, लोग उसको वही कौन नेता मौजूद रहेंगे, कौन कौन मौजूद रहूंगा, तीनों का बेरा है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयभान दीपेंद्र सिंह और जयप्रकाश। तीन नाम आपने लिए, तीन नाम मैं लेता हूँ, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला, वो आएंगे। तो हमने बीजेपी वाला बनू को नहीं पूछा कि उसका कैंडिडेट का नॉमिनेशन था, मुख्यमंत्री नहीं आया, कोई सीनियर मंत्री नहीं आया, तो हम भारतीय पार्टी के बारे में बड़ी चर्चा करते हो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि साथ नहीं, हमारे साथ सारे साथ हैं। चलिए, और शैलजा जी कभी हुई है, राहुल जी बात करते हैं।